आज हम जगत प्रतिष्ठा यानी किंगडम प्रतिष्ठा के सामान्य लक्षणों के बारे में जानेंगे। प्रतिष्ठा जगत में सभी एककोशिकी यूकैरियोटिक जंतु आते हैं, परंतु इस जगत की सीमाएं अभी ठीक से निर्धारित नहीं हो पाए हैं। एक जीव विज्ञानी के लिए एक जो प्रकाशन से प्रतिष्ठा है, वहीं दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। यानी एक जो शैवाल है, एक उसके शैवाल है, एक के लिए तो पादप हो सकता है, दूसरे के लिए प्रतिष्ठा हो सकता है। आवास एवं संरचना। प्राथमिक रूप से प्रतिष्ठा के सदस्य जली होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रतिष्ठा में कसाब एवं पक्षमा भी पाए जाते हैं। कुछ प्रतिष्ठा परजीवी भी होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। प्रतिष्ठा में पोषण, इनमें चार प्रकार का पोषण पाया जाता है। नंबर एक, होलोफाइटिक यानी पादप सम पोषण, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये जो जीव हैं वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं। नंबर दूसरा आता है होलोजोइक यानी जंतु सम पोषण। यहाँ पोषण से पहले भोजन का अंतःकरण होता है। जिस प्रकार जंतु अपना भोजन करते हैं, पहले भोजन का ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन किया जाता है। तीसरा प्रकार का पोषण है वो अशोषणीय पोषण। यहाँ पहले भोजन का पाचन होता है और फिर अंतःग्रहण होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम श्रेणित करके पचाया जाता है और फिर अंतःग्रहण किया जाता है, जैसे स्लाइमोर्स, अपंग कवक, जो कवक है, कोशिकीय कवक, वो इस प्रकार का पाचन करते हैं, वे इस प्रकार का पोषण करते हैं। मिक्सोट्रोफी। कुछ जीवों में पादपसम एवं मृतोपजीवी दोनों तरह का पोषण पाया जाता है, इसे मिक्सोट्रोफी कहते हैं। यानी वो पादप की तरह भी भोजन करते हैं, अपना पोषण भोजन प्रकाशन के द्वारा भोजन बनाते हैं और मृतोपजीवी दूसरे जीव को भक्षण भी करते हैं, जैसे युगलीना। जनन या प्रजनन रिप्रोडक्शन, ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मज बनाने के विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक में ये कोशिका विभाजन द्वारा या प्लाज्मोडियम द्वारा, अन्य मेथड से स्पोर द्वारा जनन करते हैं अलैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में कोशिका संलयन एवं युग्मज बनाने के विधि द्वारा इनमें जनन होता है। कुछ उदाहरण, ये शेरिटियम, ये डायफ्लैजेलेट है, डेनोफ्लैजेलेट है, और ये डायटम्स हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये गोनियालेक्स डायफ्लैजेलेट और रेड एल्गी है, और ये टॉक्सिक पदार्थ होता है जिसे मछलियों को मर जाती हैं। और युगलीना, ये इग्लिनोइड में आता है, प्रसंग समूह इग्लिनोइड में, और ये पादपसम एवं जंतुसम दोनों प्रकार का पोषण मिश्रित भोजन पोषण करता है। और ये अपंग कवक प्लाज्मोडियम। संग जगत प्रतिष्ठा को चार मुख्य समूह बांटा गया है। क्रैसोफाइटा, जिसमें डेस्मिड्स एवं डायटम्स आते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स, जिसमें एक कोश की यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषी जीव आते हैं। इग्लिनोइड, जिसमें प्रकाश संश्लेषी और परोषी दोनों प्रकार के लक्षण हो पाते हैं। अपंग कवक, स्लाइमोर्स और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा, पेरामिशियम, टिम्नोसोमा आदि जंतु आते हैं।